तो हम आ गए होमवर्क क्लास में। मैंने तो होमवर्क में सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने सब कर लिया। अब तुम क्रॉस चेक करने के लिए आए हो तो क्रॉस चेक कर लो, आ जाओ। मैंने 5 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है n by 2 माइनस 3n by 4 प्लस 5n by 6 इज इक्वल टू 21। ठीक है जी। अब हमें इसमें क्या करना है, सेम चीज, दो ऑप्शन है, कौन कौन से। एक ऑप्शन मैं सबका एलसीएम ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूं। सेकंड ऑप्शन, मैं पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिसमें कि फ्रैक्शन मेरा हट जाए। तो देखो पहले इसका एलसीएम आता क्या है, तो 6 4 रुक जाओ कर लेते हैं, 2 4 6, 2 1 2 3 2 3, तो 3 2 6 12 आएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी चीज तो नहीं है, कर देते हैं। फिर आ जाओ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 12, तो क्या जाएगा 12n by 2 माइनस 3n by 4 प्लस 5n by 6 इज इक्वल टू 12 into 21। ठीक है जी। अब देख लो 12 into n by 2 माइनस 12 into 3n by 4 प्लस 12 into 5n by 6 इज इक्वल टू 12 into 21। ये इसका बड़ा नंबर हो गया, कोई बात नहीं। 12 बन जा 12, 12 2 24 और 1 25, 252 आएगा, हो गया आराम से। ठीक है। अब देखो 2 बन जा 2 6 जा, तो 6n आ गया ये। 4 बन जा 4 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 9n। 6 बन जा 6 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 10n इज इक्वल टू 252। कितना आराम से सॉल्व हो रहा है। अब देख लो 6 और 10 16 16 में से 9 गए 7, तो 7n इज इक्वल टू 252। अब n और 7 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां पर जाके डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 252 बाय 7। अब चेक कर लो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। आई थिंक होंगे, cos 21 7 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसका मल्टीपल भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 4 42, 7 6 जा 42, तो n की वैल्यू आ गई है 36। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। तुमने आई होप कर लिया है, बस मैं इसे जल्दी जल्दी करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बस होमवर्क क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ तुमने सब कर लिया है। अगर रीचेक करना हो तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए वो तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारी बेबी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तुम प्लस माइनस में साइन में गलती कर दो तो वो तो नॉर्मल है, वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस से वो गलती अपने आप कम हो जाएगी। होगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देख लेते हैं। x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाय 5। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चल लेते हैं, आ जाओ। सेम चीज, दो नंबर है, मैं क्या करूं, दोनों नंबर से क्या करें बताओ, इनके एलसीएम से ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, तो कर देते हैं, आ जाओ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 15, तो क्या हो जाएगा 15 into x minus 5 by 3 इज इक्वल टू 15 into x minus 3 by 5, तो 3 बन जा 3 5 जा 5 बन जा 5 3 जा, खत्म। तो 5 into x is 5x minus 5 into 5 is 25 is equal to 3 into x is 3x 3 into minus 3 is minus 9। अब ये सॉल्व करना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ, नॉन वेरिएबल की वैल्यू अलग, तो ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5x minus 3x, तो -25 वहां जाके +25 -9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2x = 25 - 9 = आई थिंक 16 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 by 2, दैट इज x is equal to 8। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे हो जाएगा, देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा तो आसान सा क्वेश्चन था ना, m minus m minus 1 by 2 इज इक्वल टू 1 minus m minus 2 by 2 m minus 2 by 3 एक बार चेक कर लेते हैं। m minus m minus 1 by 2 बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3। ठीक है,
अब वही बात, पहले क्या वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, तो ये भी वेरिएबल है तो इसको यहाँ रहने दिया, ये भी वेरिएबल है इसको भी यहीं रहने दिया, ये वेरिएबल है तो इसको यहाँ पे ले आए, माइनस है ना तो जाएगा प्लस एम माइनस टू बाय थ्री। ठीक है जी, अब वन का वन यहीं छोड़ दो। अच्छा कई बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि जब आप ये माइनस को प्लस कर रहे हो तो इस माइनस को प्लस क्यों नहीं करती, एम प्लस टू क्यों नहीं करते हो आप। बहुत अच्छा डाउट है, देखो यहां बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारे पास है एक्स, यहां पे तुम्हारे पास है वाई, ठीक है, यहाँ पे है प्लस वन प्लस है, यहाँ पे है वन माइनस। अब देखो जब मैं ये जो माइनस है ना, ये माइनस सिर्फ इस एक्स के साथ है, इसको मैं बोल सकता हूँ वन प्लस माइनस वन इंटू में एक्स, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, प्लस का साइन लगा के मैंने इस माइनस वन को अलग कर दिया और इस एक्स को अलग कर दिया। ठीक है, तो मैं इस माइनस वन की वैल्यू को चेंज करता हूँ जब मैं उसको इक्वल टू दूसरे लेके जाता हूँ। बट इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में है माइनस एम माइनस टू बाय थ्री, यही है ना, इसका मतलब होता है माइनस वन अलग चल रहा है और ये पूरी वैल्यू अलग चल रही है, तो इस वैल्यू को बस मैं चेंज करता हूँ, ये वाली वैल्यू एज इट इज जाती है। समझे नहीं समझे, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा चेंज कर दूंगा तो ये थ्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो मेरे पास एम की वैल्यू आई है फोर, ठीक है, अगर एम की वैल्यू फोर आई है तो फोर माइनस टू बाय थ्री इज वॉट टू बाय थ्री, अगर तुम यहां पे इसको चेंज करोगे ना तो ये अभी माइनस फोर बाय थ्री है। देखो समझो, समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ अच्छा डाउट, अगर आया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो वीडियो। देखो अगर मैं इस एम को मान लो तुम्हारी एम की वैल्यू आई फोर, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, तो वन माइनस ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू बाय थ्री इज टू बाय थ्री, सही कहा ना मैंने। अब ये पूरा टू बाय थ्री माइनस का है, जब ये माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू के यहाँ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस टू बाय थ्री, आई बात समझ। बट देखो मैंने इसको करा फोर माइनस टू, जो कि तुम्हारा आता है एट द एंड टू बाय थ्री, सही कहा ना मैंने। अब जब तुम इस टू बाय थ्री को यहाँ ले जाओ तुम्हारा प्लस टू बाय थ्री बन जाएगा, कौन सा भी माइनस का है, बट अगर तुम इसको भी चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये फोर प्लस टू बाय थ्री बन जाएगा, जो तुम्हारा सिक्स बाय थ्री बनता है, और सिक्स बाय थ्री काटने तुम्हारा फ्रैक्शन ही कट जाएगा जो तुम्हारा टू का लेके जाएगा। देखो वन माइनस, अब मैं अगर इसको यहाँ पे फोर प्लस टू बाय थ्री कर दूं, मतलब ये क्या हो जाएगा सिक्स बाय थ्री, और सिक्स बाय थ्री मतलब मैं टू, तो ये तुम्हारा पूरी वैल्यू ही चेंज हो गई ना, तुम्हें वैल्यू चेंज नहीं करनी, मैं सिर्फ साइन चेंज करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, आई होप क्लियर हो गया है, बट अगर क्या बोल सकता हूँ मैं इससे ज्यादा। ठीक है भाई, आप आगे, अब बस आप इनका एलसीएम ले लो, मेरे ख्याल से एलसीएम बेटर है, क्योंकि थ्री और टू कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो ले लेते हैं एलसीएम, या मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री और टू का एलसीएम क्या होता है सिक्स, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय सिक्स, तो सिक्स इंटू में एम माइनस वन बाय टू प्लस एम माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन इंटू सिक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होता है, सिक्स एम माइनस सिक्स इंटू में एम माइनस वन बाय टू प्लस सिक्स इंटू में एम माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स। आई होप तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा साइड कर दू मैं, अब दिख रहा होगा, मैं फ्रेम चेंज कर दूंगा। ठीक है, सिक्स एम, अब टू वन टू, टू थ्री सिक्स, माइनस थ्री एम माइनस वन प्लस थ्री वन थ्री टू जा टू एम माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अब से इसको अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सिक्स एम माइनस थ्री एम माइनस वन प्लस टू एम माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। आई होप अब तुम्हें बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो सिक्स एम माइनस थ्री एम माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू एम प्लस माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। अब दोबारा से भाई, वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ, क्यों, और जहाँ मेरे पास वेरिएबल भी है नॉन वेरिएबल भी है, इसीलिए हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो सिक्स एम माइनस थ्री एम इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस टू एम इसको यहाँ लेके जाएंगे इज इक्वल टू सिक्स, माइनस थ्री प्लस फोर
तो 6 माइनस 3 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 4 7, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7/5। क्लियर है? आई होप तुमने क्वेश्चन कर लिया था। अगर तुम्हारी कोई कैलकुलेशन एरर हुई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होना इज ओके, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना बहुत गलत। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, बस अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर तुमने नोट नहीं करा है या तुमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं तो बेटा टेप लो, जो कि बड़ी गलत चीज़ है। अगर तुमने कर दिया तो 2 मिनट बैठो, मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बैठो। हाँ जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है 3t-3 इज इक्वल टू 5 2t+1। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो हो गया होगा तुमसे आई एम श्योर। 9 क्वेश्चन में लिख लूँ क्या? थोड़ा बड़ा है, पहले कर लें फिर 9 क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 into t is 3t, 3 into -3 is -9, 5 into 2 is 10t, 5 into 1 is 5। अब वही वेरिएबल अलग, नॉन वेरिएबल अलग, तो 3t-10t 5 -9 वहां जाके +9, तो ये क्या हो जाएगा -70, 5 + 9 is 14, तो t क्या हो जाएगा? अच्छा, कई बच्चे गलती कर जाते हैं, -7 वहां जाके +7, हम 7 और t को कंपेयर कर रहे हैं, 7 और t आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, या -7 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का जब उल्टा होता है इक्वल टू से, तो वो डिवाइड होता है, प्लस नहीं हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू -7 है, जो पूरी वैल्यू -7 t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है? देखो, अगर यहाँ पे होता ना 5t-7, तब मैं इस -7 को वहां जाके प्लस करता, क्यों? अभी ये 7 5t के साथ माइनस हो रहा है, बट ये टी और फाइव आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई होप में क्लियर है, अभी भी -5 और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, जो अभी ये मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड, तो 14/-7 हो जाएगा क्या? t = -2। क्लियर है? आई होप तुमने कर लिया, कोई आसान सा क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये देख लेते हैं। 3, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है लंदी बट है बहुत आसान। 5z-7-2 9z-11 इज इक्वल टू 4 8z-13 -17। चेक कर लेते हैं फिर से, 3 5z-7 बिल्कुल ठीक है, -2 ठीक है, 9z-11 ठीक है, इज इक्वल टू 4 8z-13 बिल्कुल ठीक है, -17 बिल्कुल परफेक्ट। अब सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखेंगे आगे क्या करना है। 5 3 15, 3 into -7 is -21। बेटा साइन का खास ध्यान रखना, ठीक है, 3 into -7 है तो ना कि प्लस, समझे, +21 कर दो गलत हो जाएगा। -2 into 9 -18, -2 into -11 is +22, +- का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 4 into 8 8 4 जा 32 4 into -13 13 4 जा कितना आता है? 13 टेबल आती है कि नहीं आती है? मेरे को भी नहीं आती है, बट आई थिंक 52 होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। -17 ठीक है, कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। अब कुछ नहीं बचा, वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ, नॉन वेरिएबल आ जाओ, 15z उतार दो पहले, तो ये वहाँ जाएगा -18z, ये भी वहाँ जाएगा +32, यहाँ पे जाके -32। अब ये दो बचे बस, तो -52 -17 -21 वहाँ जाके +21 +22 वहाँ जाके -22। ठीक है जी, अब सॉल्व कर दो, तो ऐसे माइनस से वैल्यू आ रही है, देखो 15 - 18 is -3, -3 - 32 is -, बट साइन बढ़ेगा, तो -3 - 32 -35z इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा -1। ठीक है,
माइनस वन और माइनस सेवेंटी हो जाएगा माइनस एटीन, माइनस एटीन और माइनस फिफ्टी टू हो जाएगा तुम्हारे पास सिक्सटी सेवेंटी, तो माइनस सेवेंटी, ठीक है। तो साइन है इसे यहीं कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 35 और z आपस में मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 70 बाय 35, ये 1 जा 2 जा कर जाएगा कंप्लीटली, z इज इक्वल टू 2। हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व, एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, अब चैप्टर भी खत्म। आई एम श्योर तुमने होमवर्क करा था, बस तुम्हें रीचेक ही कर रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन।